हेलो गाइस, मैं लवकु सिंह, एलकैश डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं गाइस, आज हम आपको एक नई कमांड बताने वाले हैं। नई का मैंने पिछली वीडियो में भी आपको हेलिक्स कमांड कराई थी, आज ही मैं हेलिक्स कमांड कराऊंगा। कल मैंने आपको सिखाया था बोल्ट बनाना, आज मैं आपको सिखाऊंगा स्प्रिंग बनाना, स्प्रिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइस, यहाँ से हम अपना प्लान वाइट कर लेते हैं और टॉप प्लान सेलेक्ट करेंगे, स्केच। सबसे पहले गाइस हम सर्कल इसमें बनाते हैं। अब मैं सर्कल बना लेता हूँ 100। ठीक है, और यहाँ से हम हो जाते हैं एग्जिट। इसमें बनाने के बाद में एग्जिट होना पड़ता है और सर्कल एक यानी कि कंप्लीट एक ड्राइंग बन जाती है। इसमें दिस ये सर्कल बन चुका है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फीचर्स कमांड में जाते हैं और कर्व में जाएंगे, कर्व में जाके हेलिक्स कमांड। ठीक है, तो इसी वाले सर्कल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं सर्कल को और फिर से हम कर्व लाइन, उस कर्व पे जाएंगे और यहाँ से हेलिक्स दिस। ठीक है, अब इसमें रेवोल्यूशन होता है और इसमें पिच होती है, तो हम पिच डाल देते हैं। इसमें 100 डली हुई है, हम इसमें डाल देते हैं यानी कि 30 सही रहेगी। ये हमने 30 डाल दी है। इसमें रेवोल्यूशन 1 है और इसको हम रेवोल्यूशन को कर देते हैं 50। ओके गाइस, ये कर दिया मैंने 50। अब ये हमारी 50 तो भाई ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी स्प्रिंग होगी, छोटी बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी होगी। और रेवोल्यूशन हम डाल देते हैं 20। ओके गाइस, ये तो ज़्यादा बड़ी होगी, ये होगी हमारी 20। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से कर देते हैं एग्जिट। ये हमारी एक स्प्रिंग बन चुकी है, आगे तो अभी काम बाकी है। अभी तो ये सिंपल अंदर का बना है अभी। ठीक है, अभी देखो होता क्या है इसमें। अब ये तो हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब क्या करते हैं, हम प्लान सेलेक्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ से हम प्लान ले लेंगे एक। ओके गाइस, और प्लान लेने के बाद में दिखाते हैं होता क्या है। पहले सीख जाओगे तो फिर बाद में क्या सीखोगे। ठीक है गाइस, ठीक है, तो अपना करते हैं। तो हम इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं इसका, दिस। ये हमारा हो चुका है, प्लान ले लिए और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो ये हमारा एक पहला प्लान आ चुका है। अब हम इस पर एक ड्राइंग बनाएंगे, इसको स्केच नॉर्मल कर देते हैं, ये नॉर्मल कर दिया। और यहाँ पे बना लेंगे एक सर्कल, यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट से हम एक सर्कल बनाएंगे 15 का बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सही लगेगा। हाँ, एक इसमें एक दिक्कत और है, अगर आपने बड़ा सर्कल ले लिया तो ये यानी कि इस हिसाब से लेना है जैसे कि इसका ओवरलैप नहीं करे। ठीक है, क्योंकि ये इसी लाइन के ऊपर घूमेगा सर्कल, अगर ओवरलैप करेगा तो वो कमांड नहीं लेगा। तो इसलिए हम स्मार्ट डायमेंशन पे जाएंगे, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और इसको 15 कर देते हैं दिस। ये बन चुका हमारा 15 डायमीटर का। ओके, यहाँ से करते हैं एग्जिट। ये एग्जिट हो चुका है, फिर से जाएंगे स्वीप बेस बॉस पे, जो मैंने पहले कमांड करा चुका हूँ, पहले जैसी कंडीशन यही है। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद पिंक वाली लाइन पे और नीचे वाली स्प्रिंग को सेलेक्ट कर देते हैं दिस। ये हमारी स्प्रिंग बन चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से कर देते हैं हम ओके, स्प्रिंग आपकी तैयार। ओके गाइस दिस, तो ये हमारी स्प्रिंग तैयार हो चुकी है। इसी टाइप से हम स्प्रिंग बनाते हैं। ओके गाइस दिस, ये थी हेलिक्स कमांड। कल मैंने आपको बनाना सिखाया था बोल्ट, उसका हेड कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड साइज मैंने आपको बताया दिया था, उसमें कितना एंगल डलता है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लें। ठीक है, हेलिक्स कमांड वो भी थी, बोल्ट मैंने आपको बनाना सिखा दिया। इसमें इसको हाइड कर देते हैं प्लान को दिस। तो स्प्रिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ओके गाइस, तो यही थी हमारी हेलिक्स कमांड और इसी टाइप से हम स्प्रिंग बना सकते हैं।
इसमें और भी आगे ऐड करके हम इसका कहते कुंदा टाइप का कहते हैं, जिसमें हमको इसको फिट करना रहता है। इस टाइप से भी हम आगे बना सकते हैं। यही थी आपकी स्प्रिंग। ओके गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो गाइस प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी चैनल मैंने स्टार्ट किया तो अपना धीरे धीरे नई नई चीज़ मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप भी मेरे को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने दोस्त तक पहुँचाओ। अब कोई पैसे तो कोई तुमसे ले ही नहीं रहा, फ्री में कोई ज्ञान मिल रहा है तो उसको छोड़ो नहीं। अगर मेरे को मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं। ओके गाइस, तो आप अपने दोस्तों में मेरी इस वीडियो को यानी शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर किया करो इस पर कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ये। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।